हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेटर टू गॉड का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। देखिए, बीज आर एंड रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये पिछली कक्षा में जो बताया गया था उसमें वर्षा होने लगी थी और लेंचू बाहर आकर के उसका लाभ उठाने लगा था, आनंद लेने लगा था। उसी के आगे बढ़ेंगे, वो अपने एक्सप्लेनेशन कैसे दे रहा है एक्सप्लेन। बीज आर एंड रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यह आकाश से वर्षा की बूंदे नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू क्वाइन, ये नए सिल्वर सिक्के, नए चांदी नए सिक्के, ओनली सिक्के। द ड्रॉप आर टेन, छोट बड़ी बूंदे आर टेन सेंट, दस के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वन, जो छोटी बूंदे हैं, आर फाइव, वह पांच के सिक्के हैं। विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट भरे भावों के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ द राइट कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, अपने फूलों से सजी पकी फसल के खेतों को उसने संतुष्ट भरे भावों के साथ रिगार्डेड देखा या निहारा या देखा। ड्रैप इन कर्टेन ऑफ रेन, जिस पर की वर्षा की परत चढ़ी थी, यानी वर्षा की परत चढ़ी हुई फूलों से लदी पकी फसल के खेतों को उसने निहारा। बट सडनली, लेकिन अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तेज हवा चलने लगी, एंड अलोंग विथ द रेन, और वर्षा के साथ साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन, बड़े बड़े ओले बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। बीच ट्रूली डिड रिजेम्बल न्यू सिल्वर क्वाइन, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, लड़के अपने आप को खुला वर्षा में, द रेन वर्षा में अपने आप को खुला छोड़ने के उद्देश्य से रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल। इन फ्रोजन पर्ल, यानी कि बर्फ से ढके, बर्फ के समान मोती, यानी जिसे हम कहते हैं ओले, ओलों को कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए बाहर आए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा होने जा रहा है। एक्सक्लेम द मैन, व्यक्ति ने कहा, आई होप, मुझे आशा है कि इट पासेस क्विकली, कि यह शीघ्रता से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास, क्योंकि यह शीघ्रता से नहीं गुजरा, यानी कि बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर, एक घंटे तक द हेल रेन ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन बगीचे पर, द हिल साइड पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड और खेतों पर, एक घंटे तक ओले गिरते रहे। ऑन द होल वैली, अपनी पूरी घाटी पर गिरते रहे। द फील्ड वाज व्हाइट, खेत सफेद हो गए थे। एज इफ, मानो कवर्ड विद साल्ट, मानो नमक की परत चढ़ गई। नॉट अ लीफ, एक भी पत्ती, रिमेंड ऑन द ट्री, वृक्ष पर नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्टोर्ड, फसल पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स एंड द फूल वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, पौधों से गिर गए थे। लेंचो सोल, लेंचो की अंतरात्मा या आत्मा, वाज फिल्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान थम गया, गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडिल, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया। ऑफ द फील्ड, खेत के मिडिल यानी मध्य में खड़ा हो गया।
एंड सेड टू हिज सन, अपने बेटों से कहा, ज्यादा हो गए इसमें, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का आक्रमण, प्लेग माने आक्रमण, लोकस्ट टिड्डियों का आक्रमण भी वुड है लेफ्ट मोर देन दिस, इससे अधिक छोड़ देता, द स्टॉर्म हैड लेफ्ट नथिंग, तूफान ने कुछ नहीं बचाया, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें बिल्कुल भी फसल नहीं प्राप्त होगी। ये आपका एक आज तक का एक्सप्लेन जो मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक इसकी नई श्रृंखला के रूप में। कम पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, इस सिद्धांत पर मैं चल रहा हूँ। छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको देखने में भी दिक्कत ना हो और आसानी से आप उसे समझ भी पाए। ओके, मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करते जाना। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।